नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर, ये आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 5 टिप्स, जिससे यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि घर में नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है। साथियों, जब हम बाहर से आते हैं तो बाहर पता नहीं किसी ने कुछ थूका हुआ हो सकता है, कुछ गंदा हो सकता है, किसी का मल मूत्र हो सकता है, जो हमारे पाँव से घर में आ जाता है, या कई बार घर का वातावरण भी ऐसा होता है कि जिससे नेगेटिव एनर्जी एक्युमुलेट हो जाती है। और डेली रूटीन में हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्यों ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं, क्यों नेगेटिविटी घट रही है, हमारा मानसिक तनाव क्यों बढ़ रहा है। और उसका कई बार रीज़न जो है घर में जो एक्युमुलेटेड नेगेटिव एनर्जी होती है उसका होता है। तो अगर हम उसको डेली या वीकली जो भी हम रूटीन सेट कर लें, उस जो भी उपाय है उसके हिसाब से, तो हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक बार एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इन उपायों को एक एक करके देखते हैं। आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं, कहीं कोई हर्ज नहीं है इसको करने में। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव एनर्जी अक्सर हमारे पाँव से हमारे घरों में आती है, तो सबसे पहले तो आप अपने आदत डालिए कि जो बाहर से आने वाले जूते, चप्पल, सैंडल्स वगैरह हैं, आप उसको मेन एंट्री के बाहर रखेंगे, उनको घर के अंदर नहीं लाएंगे। घर के अंदर के आपके जूते चप्पल अलग होने चाहिए और बाहर के जूते चप्पल अलग, यानी कि जब आप बाहर जा रहे हो तो घर वाले जूते चप्पल एंट्री के पास छोड़ दीजिए, बाहर से बाहर जाने वाले पहन लीजिए। और सिमिलरली जब आप बाहर से आए तो बाहर वाले वहीं पर उतार दीजिए। आप कोई शू रैक ऐसा ले सकते हैं जहां पर आप बैठ के आराम से उतार सकें, पहन सकें और फिर आप अंदर प्रवेश करें। तो एक तरीके से आप इस नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर रोक सकते हैं। पर फिर भी क्योंकि जो एक्युमुलेट हो गई है उसको हटाना है, तो उसके लिए सेकंड स्टेप है कि आप अपने घर में रॉक साल्ट यानी कि जिसे खड़ा नमक कहते हैं, खड़ा नमक का पोछा लगाइए। जब भी आप घर में पोछा लगाएं, खड़े नमक का लगाएं, जो बकेट है उसमें पानी डाला और उसमें रॉक साल्ट के थोड़ा सा टुकड़े उसमें डाल दीजिए। उसको बहुत हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें पड़े रहेंगे। आप जो जो पोछा उसमें निकाल के यूज़ करेंगे वो रॉक साल्ट उसमें आ जाएगा और रॉक साल्ट नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसको भी अपने जीवन की दिनचर्या में ले आइए। आप अगर पोछा नहीं लगाते कोई बात नहीं, जो काम वाली बाई है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि वो जब भी पोछा लगाए बकेट में रॉक साल्ट डालना ना भूले। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है कि आप ओम बेल का यूज़ करें। ओम बेल कैसी साथियों? ये ओम बेल कहलाती है। इसको अगर आप सुबह शाम घर में 2 बार बजाएं तो घर में जो नेगेटिव एनर्जी एक्युमुलेट होती है वो जाती है। प्लस इसके साथ एक आपको वुडन हैमर भी मिलता है। एक तो आप इसको बजा सकते हैं, दूसरा आप इसको ये इस तरीके से ये इसमें ओम का उच्चारण निकलता है। तो जब आप इसको शुरू करें तो पहले कुछ दिन आप इसको हर कमरे में करें 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद हर कमरे में डेली, एक इस कमरे में फिर उस कमरे में, आप इसको रूटीन बांध सकते हैं। इसके बाद चौथा उपाय है कि आप ऑयल डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डिफ्यूज़र को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक रीड्स वाला ले सकते हैं जिसमें जो ये आपका बॉटल आती है इसमें वो जो आपका एसेंशियल ऑयल होता है वो डाला जाता है, और नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए लेमन ग्रास सबसे अच्छा ऑयल होता है। आप उसको लीजिए, इसमें पोर करिए, रीड्स डालिए, घर में हल्की हल्की सुगंध भी बनी रहेगी और ये नेगेटिव एनर्जी को भी हटाएगी। और इसी का एक एक्सटेंडेड भी है कि आप अपने घर में ये वाला ऑयल डिफ्यूज़र भी ले सकते हैं। आप इसमें देखिए फ्यूम्स भी उठ रही हैं। तो जब इसमें आप एसेंशियल ऑयल यानी कि अगेन फिर वही लेमन ग्रास वाला डाल के बर्न करेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये बर्न नॉर्थ डायरेक्शन में घर की ना करें, क्योंकि वहाँ पर अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए। इसको नॉर्थ डायरेक्शन छोड़ के साउथ में करें, साउथ ईस्ट में करें, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा फल देगा ये। तो वहाँ पर आप इसको डेली बर्न करें शाम के समय, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से चली जाएगी। और आखिरी उपाय नेगेटिव एनर्जी हटाने का, इस तरीके से कांच की बॉल्स में
या प्लास्टिक बोल्स में रॉक साल्ट आप हर कमरे के कोने में रख दीजिए। एक हफ्ते तक उसको रखे रहिए और एक हफ्ते बाद इसको पूरे के पूरे नमक को आप फ्लश कर दीजिए। फिर इस बोल को साफ करिए। प्लास्टिक है तो बेशक आप प्लास्टिक की बोल फेंक भी सकते हैं, अदरवाइज उसको रीयूज भी कर सकते हैं, और फिर इसको रिफिल कर दिया। फिर एक हफ्ता बीता, फिर इसको फ्लश कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे पुरातन युग से चला आ रहा है ना, जो रॉक साल्ट है, नज़र उतारने का भी बड़ा अच्छा उपाय होता है, नेगेटिव एनर्जी हटाने का उपाय होता है। तो ये जो आज हमने 5 टिप्स देखी, 5 उपाय देखे, जिनको अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इसमें कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, ऑल आर साइंटिफिक। जब आप ओम बेल बजाएंगे, जो ओम का उच्चारण होगा वो वहाँ से नेगेटिव वाइब जितनी होंगी सबको ख़त्म करेगा। आप इनको अपने घर में उपयोग करिए, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी हटाइए, अपने घर में सुख समृद्धि शांति लाइए। आप सब तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। पर एक चीज़ और ज़रूर मैं कहूँगा, अगर आपको ये टिप्स फ़ायदेमंद लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।